नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज। आइए नजर डालते हैं प्रमुख खबर पे। हमारे संवाददाता तुलसी प्रसाद की खबर नावाजी बोकारो से। बोकारो जिला के नावाजी प्रखंड के ऊपर घाट स्थित गोनियाडो पंचायत में अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 130वीं जयंती गुरुवार को मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अब्दुल कासिम अंसारी ने किया एवं सभा का संचालन विधायक प्रतिनिधि टेकलाल चौधरी ने किया। बताते चले कि सभा को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान सभा के बोकारो जिला अध्यक्ष गणेश प्रसाद महतो ने कहा है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान पर खतरा पैदा हो गया है। मजदूरों से, उद्योग किसानों से, खेत एवं विद्यार्थियों से शिक्षण संस्था छीना जा रहा है। इसीलिए जन जागरण किसान महापंचायत के माध्यम से आम जनता को बताया जा रहा है, मांग कर रहे हैं कि किसान विरोधी काला कानून निरस्त करे। इस मौके पर पूर्व मुखिया अनंत लाल महतो, नूनू चंद महतो, सहदेव तूड़ी, रूपेश कुमार नारायण महतो और भी कई लोग उपस्थित रहे। और जो भी हमारे सारे लोग और दिल्ली में और सीमा में लड़ने वाले जवान हमारे बीच नहीं रहे, उनको प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। कोरोना में ये हमारे बीच के लोग हमारे निधन हो गया, उन तमाम लोगों के प्रति हम लोग संवेदना प्रकट करते हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए एक मिनट का मौन धर्म का प्रस्ताव देते हैं। आप जब भी बोलेंगे एक मिनट का प्रस्ताव रखेंगे।